What is that? What is that? This is a chair. ठीक है, इसका कलर क्या है? It is brown. क्यों he is brown क्यों नहीं बोले? She is brown? No. They are brown? No. क्यों? क्योंकि ये निर्जीव है. निर्जीव इसलिए दे नहीं बोलेंगे? नहीं सर, क्योंकि ये अकेले है. हाँ, सिंगलर है. ठीक है, तो इसके ऊपर क्या बोलेंगे? चलिए कोई लिखिए, वहां पर बेंच टेबल पर लिखिए, ब्लैक बोर्ड पर लिखिए. व्हाट इज दिस? दिस इज अ चेयर. क्या लिखा हुआ है रोशन? क्या लिखे? This is a chair. मतलब यह एक कुर्सी है. आप इसके बारे में आप कुछ लिखिए, कुछ लिखना चाहते हैं कुछ लिखिए, और कुछ लिखिए. क्या हो सकता है ये? इसके बारे में एक लाइन और लिखिए. वेट वेट, चलिए गुड, बैठिए. क्या लिखा इन्होंने? ब्राउन. तो इट मतलब क्या हुआ? क्या ब्राउन है? मैं ब्राउन हूं? नहीं. बेंच ब्राउन है? नहीं. पंखा ब्राउन है? नहीं. तो क्या ब्राउन है? कुर्सी. तो इट किसके लिए आया? कुर्सी के लिए. तो यहां पर प्रोनाउन कौन सा है? इट. और नाउन क्या है? ठीक है, समझ आ रहा है? प्रोनाउन. इट प्रोनाउन क्यों हुआ? इट प्रोनाउन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इट 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 किसके लिए आया है? चेयर के लिए. तो चेयर क्या है? नाउन. क्यों नाउन है? निर्जीव है. नाउन क्यों है चेयर? नाम है, किसी वस्तु का नाम है. हम लोग पता है ना, किसी व्यक्ति स्थान वस्तु इत्यादि के नाम को क्या बोलते हैं? संज्ञा, उसी को नाउन बोलते हैं. तो ये नाउन है. अब यहाँ चेयर लिख सकते थे, चेयर इज ब्राउन लिख सकते थे, लेकिन चेयर इज ब्राउन नहीं लिखे. क्या लिखे हम लोग? इट इज ब्राउन. तो ये इट किसके लिए आया? चेयर के लिए. तो इट क्या हो गया? नाउन. क्या हो गया? सॉरी, प्रोनाउन. अब थोड़ा सा सुधारने की हो सकता है. लिखा हुआ अच्छा है, लिखिए अच्छा. क्या नाम है तुम्हारा? कशिश. लिखी है अच्छा, सेंटेंस ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसमें करेक्शन करना होगा. क्या करेक्शन करना होगा? कोई कर सकते हैं? बताइए, आइए, क्या करेक्शन कीजिएगा? है इट इज अ ब्राउन लिखा हुआ है, तो क्या करेक्शन होगा? सबसे पहला करेक्शन पहले बताइए क्या होगा? बी छोटा होगा. बी छोटा होगा, कीजिए छोटा, कीजिए बी. बी छोटा होगा. बी जो लेटर है कैपिटल होगा कि स्मॉल होगा? क्यों होगा स्मॉल? किसी नाम की जगह पर सिर्फ हम कैपिटल लगा सकते हैं. हाँ, सेंटेंस के बीच में, सेंटेंस के लास्ट में सिर्फ जो किसी का नाम व्यक्तिगत होता है वैसे नाम के पहले क्या करते हैं? कैपिटल लेटर होता है. जी. लेकिन यहाँ पर कलर का नाम है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? स्मॉल. और कुछ गलतियां रह गई है? अच्छा ठीक है, क्या फिर अच्छा ए नहीं लगेगा वहां ना? हमने ना बोला कि एक हरा है, एक हरा ना, हरा रंग क्या होता है? ये काउंटेबल है ना, हरा. और ये इसमें तो ये नहीं लगाएंगे. ठीक है, और कुछ गलती एक रह गया है, एक जी सर. क्या एक सर आई लगेगा? हाँ आई, तो आई तो है ही, कैपिटल आई होगा. कीजिए कैपिटल आई क्यों होगा? क्यों होगा कैपिटल आई? जब सेंटेंस शुरू होता है तो बड़ा कैपिटल. कोई भी सेंटेंस का स्टार्ट करते हैं किससे? कैपिटल लेटर से. ठीक है कशिश, अगली बार से ऐसा गलती नहीं होगा. चलो और एक गलती है. क्या गलती है? रोशन को छोड़ के क्या गलती है उधर से? भानु चलो, भानु चलो.
नहीं जान रहा, कौन जान रहा है? क्या गलती है? एक और गलती कहाँ पर है, किस चीज कैसी में गलती है बोलो? अंजलि बोलो क्या गलती है? सर डब्ल्यू बड़ा लिख दिया है। डब्ल्यू बड़ा लिख दिया है जी सर। नहीं बड़ा नहीं, ठीक है डब्ल्यू बड़ा है। अच्छा मान लो छोटा कर दिया, और गलती लेकिन है एक ठोर क्या क्या लगेगा? हाँ ब्राउन का स्पेलिंग क्या होता है बोलो कशिश? ब्राउन का स्पेलिंग बोलो? हाँ जानती थी लेकिन वहाँ हड़बड़ में क्या एक एक्स्ट्रा लगा दी, तो अब क्या हो गया? ये करेक्ट हो गया। दिस इज अ चेयर, दिस इज अ चेयर, इट इज ब्राउन, मतलब यह एक कुर्सी है, यह हरा है, भूरा है, सॉरी हमसे भी गलती होती है। और कहीं गलती है क्या? देखिए तो पहले लिखा हुआ कुछ सेंटेंस में, इसमें देखिए कहीं कोई गलती है? अमन एंड आयुष आर डांसिंग, यहाँ पर देखिए डांसिंग में डी ए एन सी, डांसिंग का स्पेलिंग क्या होता है? डी ए एन सी डांसिंग, डांस नहीं डी ए एन सर, ई की हटेगा, ई हटेगा, डी ए एन सी आई, आप ही ने लिखे हैं, ठीक ठीक कीजिए सर, ए सी डी ए एन सी आई डांसिंग हो गया सही जी सर। क्या नाम है तुम्हारा? कमलदीप। सही कर दिया। अब बैठिए आप लोग सभी लोग। और कहीं गलती है? नहीं। तो आज हम लोग क्या जाने? प्रोनाउन जाने खाली? नहीं सर, नाउन। अच्छा चलो नेहा बताओ क्या प्रोनाउन क्या होता है बताओ, तुम प्रोनाउन जान गई? स्टैंड अप, स्टैंड अप, चलो बोलो, दो दो नेहा है आगे पीछे, बोलो तुम बोलो प्रोनाउन क्या होता है, अभी बताई थी ना, तुम्हारे बगल में बैठी है, अभी बताई थी सर, यूनिका बताई थी अभी, तो भूल गई सर, बोले बोलो ना, जो नाउन के स्थान पे लगता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। क्या होता है? संज्ञा के स्थान पे लगने वाले शब्द को। चलो तेजलाल प्रोनाउन क्या होता है? हम भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हाँ याद कर रहे हो? बोला गए? अच्छा याद कर लो फिर से, बोलो। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के खास नाम को सर्वनाम कहते हैं। वाह वाह वाह, ये देखिए क्या बोल रहे हैं, किसी व्यक्ति स्थान वस्तु के खास नाम को सर्वनाम बोलते हैं, सही है? फिर से बोलो एक बार, बोलो सही है बात है, सही बोला आयुष, सही बोला कि क्या नाम राहुल, सही बोला पूजा, बोलो कौन सही बोला? राहुल बोला। क्या बोला राहुल जरा बताओ तो? राहुल बोला कि के स्थान पे आने वाले चीज को, शब्द को, यहाँ सारे शब्द लिखे हुए ना, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द का हम लोग उपयोग करते हैं उसको क्या बोलते हैं? सर्वनाम। तो अभी आप लोग बोला बोले क्या बोले, कौन कौन सर्वनाम है इसमें? पहले कितना सर्वनाम था? अभी एक और सर्वनाम जुट गया, कौन सा? एक। तो आज हम लोग कितना तरह के सर्वनाम के बारे में जाने? कौन कौन? ही सी इट और दे। ही सी इट कैसा है, सिमिलर की प्लूरल? ही सी और इट क्या है, सिंगुलर की प्लूरल? सिंगुलर, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए एक नाउन के लिए उपयोग हो रहा है, चंदन सिंगुलर है तो ही लगाए, सुमन सिंगुलर है तो क्या लगाए? सी लगाए। यहाँ पर सनी एंड कमलदीप क्या हो गया? प्लूरल, तो क्या लगा दिए? दे। यहाँ पर चेयर क्या है, सिंगुलर की प्लूरल? तो उसके लिए क्या लगाए? तो हम लोग कितना, ही सी और इट क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन, और दे क्या है, प्लूरल प्रोनाउन। चलिए आप लोग ज्ञान सेतु का सुगम का पेज नंबर निकालिए, कितना? 29 निकालिए, अंजलि को पता है पेज नंबर भी, पेज नंबर 29 सभी बच्चे निकाल लेंगे।